जब पार्वती जी ने श्री राम की परीक्षा ली है तो शिव जी को नहीं बताया और शिव जी से आकर के बोली कि जैसे आप प्रणाम करते मैंने ही प्रणाम किया। लेकिन शिव जी तो सब समझ गए थे और वो जान गए कि इन्होंने परीक्षा ली है। तब आगे का प्रसंग सुने। सन्मुख शंकर आसन दीना। कहाँ बिठाया? सामने। बोलो सामने। कहाँ बिठाया? सामने। वाम भाग में नहीं, सामने। सती ने कहा मेरी जगह तो ये है, लेकिन महादेव कह रहे वहां बैठ जाओ, बैठो। ज्यादा सीधे बनकर मत दिखाओ, वहां बैठो सामने। सती माता बैठ गई। उसी समय भगवान शिव ने मन सती समझ रही कि अब मेरा त्याग कर दिया भगवान महादेव, लेकिन अब करे क्या। उसी समय भगवान शिव लागे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव कथाएं सुनाने लगे। एक बात ध्यान रखिए, जीवन में जब जब डिप्रेशन आए, जब जब जीवन में मन घबराए, तब तब अपने जीवन में जिसकी वाणी सुन करके आपके हृदय को संतुष्टि मिलती हो उसको सुनना शुरू कर दो, उसकी कथा सुननी शुरू कर दो, उसकी बातें सुननी शुरू कर दो। भगवान शिव ने यही किया, कथाएं सुनाने लगे। लेकिन उसी समय कहते हैं, उसी समय भगवान शिव के कैलाश के ऊपर से हवाई जहाज जाने लगे, विमान जा रहे। पर विमान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे विमान? सती बिजो के प्यो विमान, सती बिजो के प्यो विमान, सती बिजो के प्यो विमान, सती बिजो के प्यो विमान। स्त्रियां गायन कर रही हैं, कल सुंदरी करी दलवाना, कल सुंदरी करी दलवाना, नारायण नारायण हरि हरि, 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 यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। गीत गाती हुई जा रही है स्त्रियां, किसके यहां जा रही थी? राजा दक्ष के यहां। इसलिए यज्ञ नारायण की जय, सुंदर सुंदर गीत गाते जा रहे हैं। भगवान शिव ने मन में मन ही मन सोच रहे हैं, ये देवता देखो कैसा खीर में नमक डाल लिया है, मैं कैसे तैसे सती को समझा रहा हूँ। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।